ओके फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेस वांगी मैम एंड आकाश सर, आज म्यूजिक डे है, वर्ल्ड म्यूजिक डे है, सो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑलमोस्ट आपके अपकमिंग सॉन्ग के भी रिकॉर्डिंग हो चुके हैं, सो क्या कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, और बहुत 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 सॉरी, जून में ये गाना आने वाला था लेकिन अब थोड़ा सा पुश होके जुलाई में आ रहा है. बट ऐसा कहते हैं ना, अच्छी चीज़ों को बनने में थोड़ा वक्त लगता है, तो आई थिंक ये वही प्रोसेस चल रही है. बट वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड, जैसा कि आपने पूछा. और आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है और आज ही हम जो है गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं, और बाकी जो सारी डिटेल्स है वो आकाश आपको देंगे. सो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए. और वर्ल्ड म्यूजिक डे पर हम लोग स्टूडियो में हैं, नया सॉन्ग बना रहे हैं, नया म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, तो इससे अच्छा सेलिब्रेशन और कुछ हो नहीं सकता. तो नया सॉन्ग आने वाला है, जो कि जैसे शुभांगी ने बोला थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन वही है, काफ़ी अच्छी चीज़ आने वाली, तो थोड़ा सा सब्र बनता है. म्यूजिक डे है तो कैसे गाने पसंद है आपको गाना इस डे पे यार रिप्रेजेंट करना फैन को? देखो, बतौर म्यूजिशियन तो मुझे हर टाइप का म्यूजिक पसंद है जो भी, पर ये चीज़ होती है कि सोल हमेशा रहना चाहिए, तो अगर सोल है म्यूजिक में तो मुझे पसंद है वो म्यूजिक. मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस दिन को हर कोई गुनगुनाता है, यू नो, सो आपका कोई फेवरेट सॉन्ग जिसे आप गाना पसंद करें अपने फैंस के लिए? ओह माय गॉड, मैं मुझसे तो मत ही गवाओ, सिंगर बगल में बैठे हूँ. आज सही है, आज इनसे गवाते हैं. आई ट्राई, बट सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि गाने सुनने का मुझे बहुत शौक है, और मेरी यूनिट में इनफैक्ट भाभी जी के सेट पर भी सबको पता चल जाता है कि आज मैं कौन से मूड से गई हूँ, क्योंकि जैसा मेरा मूड होता है वैसे गाने सुनती हूँ. अगर मैं थोड़ी खुश रहती हूँ तो बहुत ही खुशी खुशी वाले गाने सुनती हूँ, किसी दिन सैड होती हूँ तो यस, तो मेरे मूड पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. और आज जो है वर्ल्ड म्यूजिक डे है, तो मुझे कौन सा गाना गाना चाहिए? I'll try, हाँ, hey, you can help me. Okay. उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तर रम पम पम, हंसो और हंसाया करो. दो लाइन में भी सुनाता हूँ, किशोरदा का सॉन्ग है. सांसों की सरगम, धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम, ऐसी जुही की कली तू. छोटा सफर हो, लंबा सफर हो, सुनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला. हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार. वाओ, ओके, अब मानसून भी नो स्टार्ट हो चुका है, बाजू वाले कपड़े में लग रहा है तो ये हो रहा है. अब मानसून भी स्टार्ट हो चुके हैं, मानसून में किस तरह के गाने पसंद है आप दोनों को? ये बताओ. ऐसे क्वेश्चन तो आते रहेंगे. तो मानसून जब स्टार्ट होता है, बारिश गिरती है, देन गाने ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आते हैं, गुनगुनाने लगते हैं. सो आपके कौन से फेवरेट गाने हैं जो मानसून में आप गुनगुनाना पसंद करते हैं? एक तो 1942 अ लव स्टोरी का जो सॉन्ग है, रिम झिम रिम झिम, दैट आई लव द मोस्ट. फिर उसके बाद सावन बरसे तरसे दिल, आई थिंक ये या, और यार बहुत सारे गाने हैं, और आई थिंक मूड जैसा होता है वैसे आप गाने सुनते हैं. बट हाँ, इस मौसम में हमारे पास बहुत अच्छा कलेक्शन, मतलब अपनी हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कलेक्शन है. और इसके अलावा गज़ल सुनना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है बारिशों में. रहमान साहब के गाने चला दो, बस बारिश है और रहमान साहब है, हो गया. क्या बात है, उनके कोई फेवरेट सॉन्ग जो आप बताना चाहें? अरे बाप रे,
सारे ही फेवरेट है उनके, तो कोई सा भी सुन लो। खास करके रंगीला से शुरू होता है, तो ताल ताल और तो मैं गिन ही नहीं सकता, सारे ही है। फ्यूचर में कभी ऐसा प्लान है आपका कि यू नो कभी आपके फेवरेट सिंगर से कोलैब करने का मौका मिले तो उनके साथ प्ले करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके नाम कौन है हम जानना चाहेंगे एज अ ऑडियंस? मुझे बहुत ज्यादा पसंद है विशाल भारद्वाज, उनके साथ काम करना चाहूंगा। रहमान साहब के साथ तो हर कोई करना चाहता है, तो उसमें मैं कोई अलग से नहीं हूँ। अमित त्रिवेदी, आई लव हिम, तो उनके साथ कुछ भी हो जाए मजा आ जाएगा। मैम आपसे जानना चाहूंगी, भाभी जी घर पर हैं, अभी भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो उस बीच में कुछ ट्रैक में देखने को मिले, क्योंकि बहुत जन अभी भी डिमांड पे है कि कुछ अलग थोड़ा देखने को मिले। नहीं, अलग तो चलता ही रहता है। इनफैक्ट जो अभी एक बारिश वाली स्टोरी, जैसा कि मौसम है तो अभी हम बारिश वाली स्टोरी शूट कर रहे हैं, और इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी है जिसमें अंगूरी जो है वो साइको, हाँ तो ऐसा कुछ ट्रैक आने वाला है। सो लेट्स सी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। मैम आपसे जानना चाहेंगे, ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है जब से आपके नए सॉन्ग के बारे में पता चला है, तो यू नो उनके एक अलग से डिमांड भी है कि कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपके अपकमिंग शो आ रहे हैं या फिर फिल्मों में हमें देखने को मिलेंगे बड़े पर्दे पे, ऐसा कोई प्लान चल रहा है इन फ्यूचर? होपफुली यार, विश मी ऑल द लक, बट यस, चूंकि अभी मैं भाभी जी कर रही हूँ तो मेरे डेट्स भी वहाँ पर मैक्सिमम जाते हैं, इसीलिए इसके साथ कुछ ना कुछ तो करना ही था अलग, तो इसीलिए हम ये सॉन्ग लेकर आ रहे हैं एंड होपफुली सून अदर प्लेटफॉर्म्स। सॉन्ग किस तरह होने वाला है, उसकी लोकेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? अगेन ये भी एक मिस्ट्री, मतलब मिस्ट्री बेस्ड सॉन्ग है, इसमें जंगल देखने मिलेंगे जो कि मेरा पहला प्यार है जंगल। तो हाँ, लोकेशन वगैरह सब डिसाइड हो चुकी है, गाना फाइनली रिकॉर्ड हो चुका है, और बस अब बहुत जल्द आई थिंक कुछ ही दिनों में हम जो है इसका शूटिंग स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्द ये गाना भी रिलीज होगा। जिस गाने का सॉन्ग और जिस गाने का रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है, हम उसकी एक लाइन सुनना चाहेंगे अगर सर आपसे। ठीक है, एक लाइन सुनाता हूँ मैं। नहीं, दो लाइन भी हो सकती है। नहीं नहीं, ज्यादा रिवील नहीं कर सकते ना। तो अभी प्रोसेस में ही है सॉन्ग, इसलिए एक लाइन सुनाता हूँ मैं। सांझ सकारे कहे नदिया किनारे कहे, बातें समझ क्यों पाए ना, एंड सो ऑन। मतलब फॉर मी आई थिंक म्यूजिक इज द बिगेस्ट हाई। ये जो पूरी सृष्टि है ये एक रिदम पे चल रही है, हाँ, हर चीज, वो चाहे बर्ड्स चर्पिंग हो, वो नदियों की कलकल हो, वो झरने का बहना हो, हवा हो, या ब्रह्मांड में जो साउंड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ रिदम पे चल रही है, और म्यूज़िक जो है वो हर तरह से, लाइक इट्स अ मेंटल थेरेपी आल्सो। कई बार ही, कल ही मैं इनफैक्ट एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें ये था कि कई बार जो मेंटल इलनेस होती है, डिप्रेशन होती है, उसको भी म्यूज़िक हील करता है। सो या तो सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन म्यूज़िक का दिन होना चाहिए, और हम सबको जो भी इससे एसोसिएटेड लोग हैं, जैसे मैं अभी मेरे बगल में जो म्यूजिशियन बैठे हैं, मैं उनको सेलिब्रेट करना चाहूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग ब्यूटीफुल म्यूज़िक एंड या कीप लिसनिंग, और हमारा गाना तो ज़रूर ज़रूर बहुत बार दिन में लूप में लगा के सुनना। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनकी बात पे एक एक्सटेंशन है, सेम बात जो बोली ना ब्रह्मांड में, तो एक बार एक कविता लिखी थी मैंने संगीत पे, तो वो थी कि ब्रह्मांड में संगीत है, संगीत में ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में संगीत है, संगीत में ब्रह्मांड है, काल भी जिसे हर न सके, संगीत में वह प्राण है। संगीत तो आवेश का, शक्ति का संचार है, संगीत तो आवेश का, शक्ति का संचार है, जहां तक है यह गगन मंडल, संगीत का विस्तार है। क्या बात है, खूबसूरत।
तो इसी नोट पर आप सबको वर्ल्ड म्यूजिक डे की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.